गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास टू। डे वी स्टडी अबाउट, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द एफ ऑफ प्रिंसिपल, हेंस रूल और पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। टुडे वी स्टडी हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। देखिए बच्चों, हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। सपोज करो बच्चों, हमारे पास से पी ऑर्बिटल है, दैट इज अवर पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और पी जेड, दैट इज अवर पी ऑर्बिटल। इस पी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से फिलअप करते हैं कि पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस एनी ऑर्बिटल के हम अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस टाइप से फिलअप करते हैं कि एवरी ऑर्बिटल गेन वन इलेक्ट्रॉन। एवरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वन इलेक्ट्रॉन आएंगे। एवरी ऑर्बिटल गेन वन इलेक्ट्रॉन, कि एवरी ऑर्बिटल में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वन 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 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? एंटिल हाफ फील्ड, हाफ फील्ड तक, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग। जब ये हाफ फील्ड हो गए, इसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? क्या बताया बच्चों, हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लफ इन एन ऑर्बिटल इन अनपेड स्टेट, कि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को किसमें फिलअप करेंगे, अनपेड स्टेट, अंटिल हाफ फील्ड, हाफ फील्ड तक, आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग, यानी इट मे बी स्टेट साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिलअप इन ऑर्बिटल्स इन अनपेड स्टेट अंटिल हाफ फिल्ड, आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग, आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग इज नोन एज हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। जैसे बच्चों हमारे पास डी सिक्स फिलअप कर रहा है, आपको पता है डी में ये हमारे पास डी सबसेल है, क्लियर, इसमें फाइव ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, एवरी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ऑर्बिटल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं अंटिल हाफ फील्ड, हाफ फील्ड तक, और जैसे हाफ फील हो जाएगा उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव हो गए, सिक्स हमारे पास, तो ये सिक्स यहाँ पर आएगा, सेवन होता तो यहाँ पर आता, एट होता तो यहाँ, नाइन होता तो यहाँ, टेन होता तो, यानी हेंस फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिलअप द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल इन अनपेड स्टेट, कि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को किसमें फिलअप करते हैं, अनपेड स्टेट, आफ्टर वी स्टार्ट द पेयर। क्लियर? ये बच्चों मल्टीप्लिसिटी के बेस पे देख सकते हैं। देखिए चलो इसको मैं ये रूल्स को बताते हैं, ये राइट या रॉन्ग है। जैसे हमारे पास P4 है, P4, P4 को हम दो टाइप से फिलअप कर सकते हैं, देखिए, और यहां पर हम एक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी M का साउंड होता है 2s प्लस 1, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, हायर द मल्टीप्लिसिटी हायर द स्टेबिलिटी, हायर द मल्टीप्लिसिटी सो हायर द स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, हायर द मल्टीप्लिसिटी हायर द स्टेबिलिटी। जैसे P4 है, P में बच्चों हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स बनते हैं, इसके दो मेथड हैं, या तो पहले सभी में अनपेयर स्टेट बने, वन टू थ्री, सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया इन द अनपेयर स्टेट, सभी इलेक्ट्रॉन्स हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए इन अनपेयर स्टेट, आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग, हमने पेयरिंग स्टार्ट कर, या सेकेंड मेथड क्या है, हम शुरू से ही टोर टू फिलअप करते जाएंगे। तो ये राइट है, ये राइट है, इन दोनों में से देखना मैं विच इज द राइट मेथड। तो बच्चों यहां मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, पहले एस निकालेंगे, एस कैसे आएगा बच्चों, देखिए एक बार,
जिसके अपवर्स बिल होती है उसके लिए हम लेते हैं प्लस हाफ, चलेंगे प्लस। देखो इसकी स्पिन अपवर्ड है, अपवर्ड स्पिन का क्या लिया हमने प्लस हाफ, और जो डाउनवर्ड स्पिन है ऐसे डाउनवर्ड स्पिन इसका क्या लिया हमने माइनस हाफ, या अपवर्ड स्पिन है प्लस हाफ, या अपवर्ड स्पिन है प्लस हाफ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, ये अपवर्ड स्पिन है तो प्लस हाफ, और ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन है तो माइनस हाफ, तो एस कितना आ गया भी आपका, ये क्रॉस हो गया तो वन आ गया, तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया आपका 2s प्लस वन, एस इक्वल टू वन है तो 2 इंटू में वन और प्लस वन, इसका भी कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, कितना आ गया आपका मल्टीप्लिसिटी इज 3। इस केस में निकालते हैं s, या s कितना होगा भी आपका, जिसकी अपर स्पिन उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ प्लस आप, और डाउनवर्ड स्पिन इसका लिए माइनस आप, अपर स्पिन प्लस आप, और इसकी डाउनवर्ड स्पिन है तो इसका माइनस आप, ये भी प्लस माइनस क्रॉस हो गई, प्लस माइनस क्रॉस हो गई, एस क्या हो गया जीरो, तो मल्टीप्लिसिटी क्या गया 2s प्लस वन, 2 इंटू में जीरो प्लस वन, इसका 2 में क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लिसिटी इसकी ज्यादा है ना 3, और इसकी कितनी है 1 है, तुमने क्या लिखा हायर द मल्टीप्लिसिटी सो हायर द स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है तो ये हमारे पास क्या है राइट मेथड है, और ये हमारे पास क्या है रॉन्ग मेथड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मिस मेथड से फिल अप करेंगे ना कि दोबारा समझ में क्या कहते हो बच्चों। हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि जैसे हमारा P4 है, इस P4 में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, पहले हर ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 सभी में किक हो गया, इसको बोलते हैं अनपेड स्टेट, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं अनपेड स्टेट, क्लियर। सभी में किक हो गया, हाफ फिल हो जाता है, हाफ फिल होने के बाद फिर हम इसमें पेयरिंग स्टार्ट करें, ये हमारा हेंस रूल है, यानी वी फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप इन ऑर्बिटल्स इन अनपेड स्टेट, अनपेड स्टेट बन रहे अंटिल हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड तक, आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग, उसके बाद हमें क्या करना है पेयरिंग शुरू कर देते हैं, कि पहले हम हाफ फिल्ड तक अनपेड स्टेट बनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पेयरिंग शुरू करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। जैसे D6 हमने कैसे अप्लाई किया, 1 2 3 4 5 सभी एक कर दिया, फिर 6 दिया, और जिसकी जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी आएगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। जैसे हमारे पास P4 था बच्चों, P4 को एक हमने 1 2 3 पहले हाफ फिल्ड किया फिर पेयरिंग की, एक हमने शुरू से पेयरिंग कर दी, तो पहले मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 2s प्लस 1, पहले s फाइंड आउट करेंगे, s कैसे आएगा, जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है उसके लिए क्या लेते हैं हम प्लस आ, और जिसकी डाउनवर्ड उसका माइनस आ, प्लस आ माइनस आ, प्लस आ प्लस आ, प्लस आ माइनस आ, प्लस आ प्लस आ, एस कितना आ गया वन, मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 2s प्लस 1, एस 1 है तो m कितना आ गया 3, इसके लिए प्लस आ, इसके लिए माइनस आ, प्लस आ माइनस आ, तो एस कितना गया 0, m कितना आ गया 2s प्लस 1, इसका 2 आ गया, हायर द मल्टीप्लिसिटी हायर द स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा फ्लो होगा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट करवाते हैं हम आपको, इसके बाद हम नोट्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों, दैट इज द हेंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, नाउ वी स्टडी अबाउट द नोट्स। नोट्स क्या होता है बच्चों, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है बच्चों 0 होती है, व्हाट आर द नोट्स, नोट्स क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर द नोट्स, द स्पेस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, जहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0 रहे, उसको हम क्या बोलते हैं नोड्स, इज नोन एज नोडल या नोड्स, जहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों 0 रहेगी, वो क्या रहेगा नोड्स। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पीजेड ऑर्बिटल बनाया, दैट इज द पीजेड ऑर्बिटल, तो ये हमारा यहां पर है, जहां यहां
या इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जीरो। क्लियर, देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो, और जहां इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो बच्चे को होता है नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड। स्फेरिकल या रेडियल नोड कैसे निकालते हैं बच्चों, एन माइनस एल माइनस वन, ये मेथड होता है बच्चों, एन माइनस एल माइनस वन। एन यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एजिमथल क्वांटम नंबर। एन यहां पर क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है बच्चों, एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर, ये तो बच्चों हमारे पास स्फेरिकल या रेडियल नोड है। एक हमारे पास है नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड वो होते हैं एल के बराबर, वो किसके बराबर होते हैं, एल। तो टोटल नोड्स क्या आ गए बच्चों हमारे पास, टोटल नोड्स क्या होंगे बच्चों, रेडियल प्लस में एंगुलर, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। देखिए बच्चों क्या बताया, स्फेरिकल या रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस एल माइनस वन। क्लियर, एन माइनस एल माइनस वन इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल रेडियल नोड, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एल। तो बच्चों टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा, दिस प्लस में दिस, यानी रेडियल नोड क्या हमारे पास, एन माइनस एल माइनस वन प्लस ये कितना है, एल। एल सेल क्रॉस होगा, कितना बच गया आपके पास, एन माइनस वन, यानी ये हमारे पास क्या है, टोटल नोड्स, एन माइनस वन इज इक्वल टू द टोटल नोड्स, ये हमारे टोटल नोड्स आ गए। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस में कोई दिक्कत नहीं है, या एक दो क्वेश्चन में इसके बेसिस पे आपको करवाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए इसके क्वेश्चंस में ज्यादा मुश्किल वर्क नहीं बच्चों आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स इन द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास 3D है, 4S, 5P या 5R। देखिए बच्चों इनमें नोड्स निकालने हैं बच्चों, क्या निकालने हैं, नोड्स। देखिए हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर ऑर्बिटल्स, 3D, 4S, 5P और 5R, दीज आर द ऑर्बिटल्स। यहां पर हम क्या करेंगे, एंगुलर नोड, यहां पर हम क्या करेंगे, रेडियल नोड, और यहां पर टोटल नोड, एक साथ फाइंड आउट कर देते हैं। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है, एन, और रेडियल नोड का एन माइनस एल माइनस वन, और टोटल नोड का फॉर्मूला है एन माइनस वन। क्लियर, ध्यान से देखिए बच्चों, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल, रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस वन, और टोटल नोड एन माइनस वन, ये फॉर्मूला बेस है। तो डी के लिए तो हमारी एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है ना, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स। तो यहाँ पर एल कितना है, टू, यहाँ पर कितना आ गया, टू नोड्स। एस के लिए क्या होती है, जीरो, या जीरो नोड्स। पी के लिए वन, और एफ के लिए थ्री। तो ये जो एल की वैल्यू आई है बच्चों, ये हमारे एंगुलर नोड्स है। तो 3D के लिए एल कितना होता है बच्चों आपके पास, जीरो। 4S के लिए, 3D के लिए, डी के लिए टू, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, और एफ के लिए, इट इज द वैल्यू ऑफ द एल, और एल इज द एंगुलर नोड। रेडियल नोड में देखिए यहां पर ये एन है 3, तो एन कितना है 3, एल कितना बचो 2, और माइनस में 1, तो कितना गया 0। भाई एन यहां पर 3 है, एल हमारा 2 था, एन माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस, या एन कितना है 4,
एल कितना यहाँ पर है, जीरो माइनस वन, तो कितना गैप के पास, थ्री। फाइव पी में एन कितना है, फाइव, एल कितना है बच्चों, वन माइनस वन, कितना गैप के पास, थ्री। या एन कितना है, फाइव, एल कितना है बच्चों, तीन माइनस वन, कितना गैप के पास, क्लियर, इट्स ओके। तो बच्चों यहां तो हमारे पास ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, एन की, ये किसकी वैल्यू होती है, एन की। इस एन में से क्या माइनस करेंगे हम, एल माइनस करेंगे और वन माइनस करेंगे। तो रेडियन नोड का फॉर्मूला क्या बच्चों हमारे पास, एन माइनस एल माइनस वन, तो एन कितना है, थ्री, और एल इसके लिए कितना है, टू, और माइनस में वन, तो कितना गया आपका, जीरो। एन कितना है, फोर, एल कितना है बच्चों, जीरो माइनस में वन, एन माइनस एल माइनस जीरो। एन पांच, एल वन और एन माइनस वन इजकल टू थ्री। एन कितना है, फाइव, और एल कितना है, थ्री माइनस वन इजकल टू कितना है। टोटल नोड्स की बात आती है बच्चों, टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं, माइनस वन, या तो एन में से सीधा माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, टू प्लस जीरो एक ही बात है, या एन कितना है, थ्री, थ्री माइनस एक कितना गया आपके पास, टू, या एन कितना है, फोर, फोर माइनस में एक कितना गया आपके पास, थ्री, या कितना है, फाइव, तो फाइव माइनस वन कितना गया आपका, फोर, क्लियर। या तो ये एन कितना है, फाइव, फाइव माइनस में वन कितना गया, थ्री। एन माइनस वन से सीधा निकाल दिया, ये एन की वैल्यू है, एन में से घटा देंगे तो क्या गए, टोटल नोड्स। या टोटल नोड्स क्या होते हैं बच्चों, इनका सम भी होता है, देखो दो प्लस जीरो, दो प्लस जीरो इजकल टू दो, जीरो प्लस थ्री इजकल टू थ्री, वन प्लस थ्री इजकल टू फोर, और थ्री प्लस वन इजकल टू, एक मिनट बच्चों, एल थ्री, और यहां पर थ्री माइनस वन वन, अच्छा फाइव माइनस थ्री फोर, वन इजकल टू फोर आएगा बच्चों, फाइव माइनस वन इजकल टू फोर, तो थ्री प्लस वन इजकल टू में फोर। एक ही बात बच्चों, एन माइनस वन कर दो या एल प्लस एन माइनस एल माइनस वन, दोनों को सम करो तो भी यही बात है, क्लियर। बच्चों इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, वो टेबल आप आज बहुत अच्छे से याद कीजिए बच्चों ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, वो टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए बच्चों। देखिए उसके मैं इनिशियल टेबल बना रहा हूँ बच्चों, 20 तक फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे भी आपको, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। जब तक टेबल याद नहीं होगी, जब तक आप नहीं कर पाएंगे, मैं तीन मेथड से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो हमारे पास ये सीरीज है बच्चों, वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फाइव एस फाइव पी फोर एफ फाइव डी सिक्स एस सिक्स पी फाइव एफ सिक्स डी सेवन एस सेवन पी। एक तो बच्चों हमारे पास ये सीरीज है, अगर ज्यादा नहीं थी सीरीज से बच्चों आप यहां तक तो याद कर लें, यहां तक तो हमारे पास हो जाएगा आपका 30 तक, और कोशिश करेंगे तो यहां तक हमारे पास हो जाएगा 50 तक, क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सी है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p, यहां तक तो सीरीज आ जाती है बच्चों। 1s के बाद क्या आता है, 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3d 4s, कई मेथड से बच्चों इसके, अभी तो बेसिक बता रहा हूं आज जिसको मैं अच्छे से याद कर रहा हूं। एक इसका ये बच्चों, जितनी भी नोबल गैस याद कीजिए, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन और दैट इज रेड। हीलियम टू होता है, नियोन टेन, एटीन, 36, 54, 86। ये तो बच्चों के एटॉमिक नंबर लिखे हैं, हीलियम नोबल गैस सभी, लास्ट 18 ग्रुप नोबल गैस एलिमेंट, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, दीज आर द 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, लास्ट ग्रुप है बच्चों पीरियोडिक टेबल का, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन और रेडॉन। हीलियम के बाद क्या याद करोगे बच्चों, यहां पर आएगा 2s 2p या 2s 2p या 3s 3p, एक एक बढ़ता जाएगा। यहां बच्चों
फिर क्या जाएगा 4s 4p, ठीक है, 12s 2p, 3s 3p, 4s 4p, लेकिन 4s से पहले यहां पर 3d शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा 3d। अब यहां पर जैसे 4s 4p का क्या हो जाएगा 5s 5p और 3d का क्या स्टार्ट हो जाएगा 4d। देखिए मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, हीलियम में 2s 2p था, उसके बाद यहां 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p, कंटेनर के एक बढ़ता जा रहे हैं। यहां पर क्या जाएगा 6s 6p, 7s 7p, लेकिन जैसे यहां 3s 3p के बाद 4s 4s से पहले क्या आता है 3d आता है, 3d के बाद 4d, ऐसे यहां पर तो क्या आ गया 5d आ गया, क्या गया 5d, और 5d से पहले आता है 4f। अब 4f का क्या हो गया 5f, और 5d का क्या हो गया 6d, बाकी आगे क्या रहेगा सेम, ये सीरीज ही याद करें बच्चों। ये तो नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेटन, दीज आर द नोबल गैस एलिमेंट्स। ये हमारे नोबल गैस है बच्चों, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेटन। हीलियम के आगे क्या रहेगा 2s 2p, 2s 2p, नियोन में 3s 3p, आर्गन में 4s 4p, लेकिन 4s से पहले क्या आ जाएगा 3d। ये सीरीज याद रखनी बच्चों, यानी 2s 2p, 3s 3p, इसमें 4s 4p, लेकिन 4s से पहले क्या आएगा 3d, क्लियर, फिर 4d, 5s 5p, क्लियर। अब इनमें क्या बढ़ा दो, 4d का क्या हो जाएगा 5d, 6s 6p, लेकिन 5d से पहले क्या आता है 4f आता है, क्या आएगा 4, और 4f का 5f, 6d, 7s 7p, 1 by 1 करके बढ़ते जा रहे हैं। एक ये सीरीज याद रखने, एक आप ऐसे भी याद कर सकते हो बच्चों, देखिए ये जैसे हमें सिर्फ 20 तक सिखा रहा हूँ या 30 तक कर लेते हैं, जिसके हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, इसको हम ऑर्बिटल से लिख सकते हैं, एस में एक ऑर्बिटल बढ़ता है, एस में कितना बढ़ता है 1, पी में कितने बढ़ते हैं बच्चों 3, एस में कितना बढ़ता है 1, पी में कितने बढ़ते हैं 3, डी में कितने बढ़ते हैं 5, एस में कितना बढ़ता है 1, ऐसी बात कर सकते हो बच्चों। ये हमारा 1s एक ऑर्बिटल बढ़ता है, 2s एस में हमेशा एक बनेगा, देखो एस में हमेशा एक ऑर्बिटल, पी में हमेशा 3 ऑर्बिटल, और डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर, यानी एस में हमारे पास एक ऑर्बिटल बनता है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनते हैं, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल, और एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 2 4 6, और 7। देखिए बच्चों ध्यान से, जहां पर एस ऑर्बिटल होगा वहां पर एक सिंगल ऑर्बिटल बनेगा, सिंगल एस में क्या बनेगा सिंगल ऑर्बिटल, पी में कितने बढ़ेंगे 1 2 3 ऑर्बिटल, डी में कितने बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, और एफ में कितने बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पी में 3 बढ़ते बच्चों पी एक्स पी वाई और पी जेड, डी में 5 बढ़ते हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। हमने सेप ऑफ ऑर्बिटल में करवाए थे डी के 5 पार्ट्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पर इन बिटवीन एक्सिस थे, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अलोंग एक्सिस थे, ऐसे ही एफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर। तो अब हमारे पास देखिए एक इनका आता है हाफ फील्ड और एक आता है फुली फील्ड, फुली फील्ड कितना रहेगा और हाफ फील्ड कितना रहेगा, देखिए बच्चों एस ऑर्बिटल का फुली फील्ड, ये जो एक ऑर्बिटल है ये एक बॉक्स को बच्चों में एक ऑर्बिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल, और इस सिंगल ऑर्बिटल में एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन द सिंगल ऑर्बिटल, दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो फुली फील्ड कितना रहेगा इसका, और आप फील्ड का मतलब इसका आधा कर दे, आधा कितना हो जाएगा आपका,
जैसे पी ऑर्बिटल है, पी सब सेल के अंदर जो हमारा पी सब सेल, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, जो हमारा पी सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल है और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2, 4, 6, तो फुली फिल्ड कितना आ गया 6, हाफ फिल्ड से हाफ कितना हो गया 3, हाफ फिल्ड का मतलब सभी में 1, 1, 2, ये डी सब सेल, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है 5, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6, 8, 10, जिसका हाफ फिल्ड कितना हो जाएगा 5, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन। गैप में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फुली फिल्ड कितना आ गया 14, हाफ फिल्ड कितना आ गया आपका 7, दैट इज फुली फिल्ड और दैट इज हाफ फिल्ड, इट्स ओके। फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1, 2, 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो गए 6, 3 as the 6, 2, 4, 6। डी में 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो 5 में कितने हो गए 10। यानी एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ऐसा क्यों भी, एस में एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने ऑर्बिटल 3, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए 6, 2, 4, 6। डी में कितने 5 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 5, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो गए 10। एफ में कितने हो गए, एक में 2, तो 7 में कितने हो गए 14, और इनका हाफ फिल्ड हमारे पास 2 का हाफ 1, 6 का हाफ 3, 10 का हाफ 5 और 14 का हाफ 7। क्लियर, यहां तक ये सीरीज याद कीजिए बच्चों, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, 20 तक पहुंचेंगे बच्चों, एस हम 20 तक ना 30 तक कर सकते हैं बच्चों, 30 तक हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। क्लियर, 1s उसके बाद क्या आएगा 2s 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, 30 तक पहुंचेंगे बच्चों हमारे ऐसे। तो इनका मैं याद करना बच्चों, यहां तक हम इस मेथड से भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, ये सबसे आसान, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे बच्चों। हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2s 2p, अगले में 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p, 1 by 1 बढ़ाते जा रहे हैं, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। अब 4s से पहले क्या शुरू होगा 3d, तो 3d 4d 5d 6d पढ़ने लग गए, और 5d से पहले क्या शुरू हो जाएगा 4f 5f, बस याद रखिए 4s के पहले 3d शुरू होता है और 5d से पहले 4f शुरू होता है, बाकी कंटिन्यू। अब इसका बच्चों से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम कम से कम आए, इट्स ओके। चलो बच्चों एक बार हम 10 तक मैं आज करवाता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ एक बार करने की, ओके। अभी हम एक बार 10 तक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, ओनली 10 तक। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ 1, तो 1s शुरू में 1s होता है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियम 10। यहां तक देखते हैं बच्चों, पहले सीरीज ऑफ 1s या एक इलेक्ट्रॉन होती है 1s1, क्लियर, बाय ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम 1s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2, तो इस लग कड़े तो 2 आ गए, बाय ऑर्बिटल एच 2, क्लियर, लिथियम 1s 2s, इस 1s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2, हमारे पास कितने 3, एक बच गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, के लिए 1s में 2 और 2s में कितना है 1। या इसका एक और ही मेथड है बच्चों, हीलियम उसके बाद क्या होता है 2s 2p, हीलियम में 2 हो गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 3,
तो टू तो इसमें फिलअप हो गई, कितना बच गया एक, तो एक इसमें आ गया टू इसमें, तो टू भी तो हम ना लिखे तो भी हटा दे, है नहीं इलेक्ट्रॉन तो उसको रिमूव कर दीजिए। बेरिलियम फोर वैलेंस टू एस, एस में मैक्सिमम दो, एस में मैक्सिमम ठीक है, जैसे बोरोन फाइव वैलेंस टू एस, एस में मैक्सिमम दो, एस में मैक्सिमम लेकिन इसके बाद टू पी भी आएगा, टू पी में कितना हो गया वन, पी में तो छह लगा सकते पर हमारे पास एक है तो एक फिलअप कर दिया। कार्बन सिक्स वैलेंस टू एस टू पी, एस में मैक्सिमम कितने हो गए दो, एस में दो और पी में कितना सकते हैं सिक्स, पर हमारे पास कितने बचे सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो टू फोर तक तो आ गए, दो बचे ना तो टू पी में टू। सेवन नाइट्रोजन वैलेंस टू एस टू पी, यहां पर टू यहां टू, तो यहां पर कितने बचे बच्चों दो दो चार आ गए तीन बच गए, यहां पर टू पी थ्री कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो अब हम हीलियम का यूज करेंगे जिसके सेकंड मेथड है हीलियम टू एस टू पी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए यहाँ कितना फोर, हमने दो ही फिलअप करे हैं और इस टू एस में कितने आ सकते दो आ सकते हैं तो टू पी तो क्या हो गया जीरो, इसको हम रिमूव करें जीरो वाले के बाद लिखिए तो सही है। बोरोन है हीलियम टू टू एस टू पी, दो तो आ गए अब टू एस, एस में मैक्सिमम कितने होंगे दो होंगे, दो तो चार हो गए अब कितना बचा बचो फाइव है तो वन बचेगा तो टू पी में तो छह सकते पर हमारे पास एक बचा तो ठीक है। कार्बन हीलियम टू टू एस टू पी, यहां पर कार्बन में सिक्स है बच्चों, कार्बन में कितने हैं सिक्स, अभी हमारे दो आ गए यहां टू और कर दे कितना हो गया फोर, तो कितने बचे बच्चों हमारे पास टू और बचे तो यहां पर कितने लगा दिए टू। नाइट्रोजन कितना है सेवन है, हीलियम टू टू एस टू पी, एस में दो 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 चार कितने हमारे पास चार फिलअप हो गए तीन बच गए यहां टू पी में थ्री, ऐसे कर सकते हैं क्लियर। चलो पहले मैं हीलियम वाले से करवाता हूँ, जैसे हीलियम टू टू एस टू एट है बच्चों दो आ गए, एस में मैक्सिमम दो कितने आ गए चार, कितने बचे हमारे पास फोर बचे ना तो पी में तो छह तक आ सकते हैं लेकिन हमारे पास कितने फोर तो मैंने फोर कर दिए। फ्लोरीन हीलियम टू टू एस टू एस में मैक्सिमम कितने आएंगे बच्चों टू आएंगे तो टू टू कितने हो गए फोर, तो इस टू पी में कितने आएंगे बच्चों हमारे पास फोर फिलअप हो गए तो नाइन में फोर गए तो फाइव बचे, पी में तो सिक्स आ सकते लेकिन हमारे पास फाइव बचे तो फाइव। हीलियम टू टू एस टू एस में दो दो तो चार हो गए, दस में चार गए तो छह और पी में छह तक आ सकते हैं तो हम सिक्स फिलअप कर दिए। दूसरा मेथड इसका क्या था हमारा वैलेंस टू एस टू एस में मैक्सिमम दो, एस में मैक्सिमम दो, पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं सिक्स पर हमारे पास दो दो चार तो बने गए कितने बचे हमारे पास चार बच गए, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो दोनों अलग अलग राइट मेथड है बच्चों, चाहे इसका ऑप्शन का ये फिलअप कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए बहुत आर द राइट मेथड्स के लिए। ये जैसे एक तो हमारे राइट मेथड है बच्चों, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं वैलेंस टू एस टू एस में मैक्सिमम दो एस में दो कितने हो गए दो दो चार हो गए हमारे पास नो है नो में से फोर गए कितने बचे फाइव इसमें कितने फिलअप हो सकते हैं फाइव क्योंकि जान शुद्ध राइट में ये वैलेंस टू एस टू एस में दो दो इसके कितने बचे सिक्स दोनों हमारे पास राइट है ये भी और ये। चलो इसके कॉन्फिगरेशन को आगे मैं फॉरवर्ड करता हूँ बच्चों, प्रॉब्लम आती है तो इसको हम जो मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसको आप एक बार अच्छे से कीजिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बच्चों, अगर हम इस वीडियो को वन से टू टाइम्स अगर आस करेंगे देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएंगे बच्चों, बहुत सिंपल से बच्चों हमारे यहाँ।